देखिए बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली सेट नंबर टू ईयर 2020 एचएम पब्लिकेशन। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन दिस सेट। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट क्वेश्चन इज पार्थिनोजेनेसिस अकर इन। सो पार्थिनोजेनेसिस जो प्रोसेस है बेसिकली वो रोटिफर्स हनी बीज टर्कीज ठीक है इन सारे ही एनिमल्स में होती है। ओके तो पार्थिनोजेनेसिस के जो आफ्टर द पार्थिनोजेनेसिस है ठीक है तो उसमें बेसिकली सो टुडे वी डिस्कस अबाउट द सेट नंबर टू ईयर 2020 फॉर द इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। ओके फर्स्ट क्वेश्चन इज पार्थिनोजेनेसिस अकर इन। पार्थिनोजेनेसिस मींस आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ओके डिफरेंट ऑर्गेन और डिफरेंशिएशन आर डेवलप बाय नॉट अ सेक्स ऑर्गेन बट अ डिफरेंट टाइप ऑफ ए सेल डिवीजन और विदाउट फर्टिलाइजेशन ठीक है। सो पार्थिनोजेनेसिस का ये मीन ठीक है इन रोटिफर्स पार्थिनोजेनेसिस रोटिफर्स में भी होगा इन हनी बीज में भी होता है टर्कीज टर्कीज में भी होगा। ऑल ऑफ दीज इज द आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है बी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट फॉर द लॉ ऑफ डोमिनेंस। सो डोमिनेंस मींस दैट इज अ इफेक्टिव कैरेक्टर। ओके फैक्टर अकर्स इन द पेयर दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट आंसर। जो फैक्टर्स होंगे जो भी कैरेक्टर्स होंगे वो पेयर्स में है। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय द डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड द फैक्टर्स। जो कैरेक्टर होंगे वो एक बेसिक यूनिट के थ्रू मतलब इसको डिनोट करेंगे दैट इज अ फैक्टर। ये भी सही आंसर है। इट इज अ डिसिमिलर पेयर ऑफ द फैक्टर वन मेंबर ऑफ पेयर डोमिनेंट टू अदर। हाँ तो डिसिमिलर फैक्टर मतलब जो फैक्टर्स होंगे वो डिसिमिलर होंगे। एक मेंबर कैसा होगा इफेक्टिव होगा डोमिनेंट होगा एक रेसेसिव होगा। बोथ बोथ सॉरी दीज ऑल पॉइंट्स आर ए करेक्ट फॉर द डोमिनेंस। ओके ये सारे ही जो पॉइंट्स होंगे वो करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन टू बी द एबल टू फॉर्म ऑफ सिम्बायोसिस एसोसिएशन विद प्लांट। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा बेसिकली सिम्बायोसिस एसोसिएशन के लिए एप्रोप्रिएट है। देखो राइजोबियम लेगिमिनेसोरम जो बेसिकली एक सिम्बायोसिस बैक्टीरिया है एंड दिस बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन लेगिमिनस प्लांट और ये कुछ लेगिमिनस प्लांट पल्सेस मटर्स इन सारे प्लांट्स में होता है। माइक्रोराइजा भी एक तरीके का सिम्बायोसिस होता है ठीक है फंगी है। तो ये बोथ आर प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल एट द सिम्बायोसिस एसोसिएशन इन प्लांट्स। सो बोथ आर द करेक्ट आंसर दैट इज अ राइजोबियम लेगिमिनोसोरम एंड माइक्रोराइजा। ओके नेक्स्ट इज व्हिच एंजाइम इज नोन टू मेक द कट एट द स्पेसिफिक पोजीशन द डीएनए विद इन द डीएनए। सो एंजाइम को एक स्पेसिफिक रीजंस पे ओके कट करना ये तो हियर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आर प्रेजेंट टू कट द डीएनए इन द स्पेसिफिक रीजन ठीक है। सो हियर द थ्री टाइप्स ऑफ बेसिक एंजाइम वी कैन से दैट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टाइप फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टाइप सेकंड एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टाइप थर्ड। ओके दीज आर द एंजाइम दीज आर कट द स्पेसिफिक section or a segments of the DNA. Okay. So restriction enzyme type second is also known as a molecular scissor or a molecular we can say that knife.
cut the DNA from the 3 prime to 5 prime DNA and 5 prime to 3 prime DNA. That is the palindromic sequences. This is the palindromic sequences. So remember that. DNA को कट करने के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ही पार्टिसिपेट करती है, ठीक है, उसके सब टाइप भी पार्टिसिपेट करते हैं. देन वो जो पार्टिसिपेटिंग के जो टाइप्स हैं उसमें टाइप रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेकंड मॉलिक्यूलर सीजर के नेम से फेमस है, जो बेसिकली डीएनए के पॉलिंड्रोमिक सीक्वेंस 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में कट करता है, ठीक है. सो ये बात याद रखें. अब आपसे कह रहा है राइट अ टू मेजर फंक्शन ऑफ टेस्टिस, ठीक है, दैट इज अ टू का ए, ओके, राइट टू मेजर फंक्शन ऑफ टेस्टिस. सो आप लोग भी कुछ मुझे बताइए, टेल मी द फंक्शन ऑफ टेस्टिस. मैं आपको बता दूंगी बहुत सारे, लेकिन आप कुछ बताइए. सोनी, जगजीत एंड शिवम, टेल मी द फंक्शन ऑफ टेस्टिस. सेक्रीशन ऑफ स्पर्म. सेक्रीशन ऑफ स्पर्म. सेक्रीशन ऑफ स्पर्म. सेक्रीशन नहीं, फॉर्मेशन ऑफ. फॉर्मेशन. फॉर्मेशन. सोनी, सोनी जगजीत बताइए, आप लोग कुछ बताइए. बता रहे हैं. हाँ बेटा बताओ. जो टेस्टिस होते हैं ओवल शेप में होते हैं, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेल में. ओवल शेप होते हैं मैम. फंक्शन करना ना, फंक्शन. इसका फंक्शन ये होता है कि ये मेल हार्मोन्स जो होता है टेस्टोस्टेरोन, उसका फॉर्मेशन करता है. और इसमें से दे प्रोड्यूस मेल गैमेट्स, स्पर्म. दे प्रोड्यूस मेल गैमेट्स, यस. सो ओके, मैं आपको बताती हूँ. पहला देखिए फंक्शन क्या है. टेस्टिस सेक्रीट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन. ओके ओके, टेस्टिस क्या सेक्रीट करेगा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सेक्रीट करेगा. देन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस, अभी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज प्रेजेंट इन टेस्टिस ना, तो सो टेस्टिस इज आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्रोड्यूस स्पर्म. ओके, देन टेस्टिस क्या करेगा? टेस्टिस बेसिकली प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्पर्मेटोजेनेसिस. ओके, कंप्लीट प्रोसेस. एक तो ये हो गया, एक और जान लो. टेस्टिस सेल, ब्रैकेट में नर्सिंग सेल्स डाल दे रहे हैं, ठीक है. एप्रोप्रिएट आंसर ये है, नर्सिंग सेल्स प्रोवाइड एंड न्यूट्रिशन, प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल, ठीक है, इस बात को याद रखो. सो दीज आर द बेसिकली आंसर, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया बच्चों? यस मैम. ओके, अब यस मैम. टू का बी देखिए, टू का बी पूछ रहा है व्हाट इज कोडोमिनेंस. सो कोडोमिनेंस, so tell me what is the example of codominance. बहुत ही ईमानदारी से tell me the examples of codominance with the suitable example. capital T or small T, लंबे पौधे और बौने पौधे. ओके, मान लिया लंबे पौधे. codominance, co का मतलब साथ साथ, dominance का मतलब character का
तो दोस टाइप ऑफ ए करेक्टर विच आर ए डोमिनेंट विथ अनदर करेक्टर दोस टाइप ऑफ करेक्टर types of character which are dominant. देखिए मैं एक हाथ से फोन पकड़ी हूँ, एक हाथ से मैं कर रही हूँ, तो मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, आप लोग से थोड़ा सा सपोर्ट करिए. Which are dominant with another character. ऐसा करेक्टर जो डोमिनेंट हो किसी और करेक्टर के थ्रू के साथ बेसिकली. सो दिस इज अ कोडोमिनेंस, दिस इज नोन एज कोडोमिनेंस करेक्टर एंड दिस कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज कंप्लीट. हम इसको बहुत डिटेल में आपको समझा देंगे, ठीक है. प्रोसेस इज नोन एज कोडोमिनेंस. कोडोमिनेंस प्रोसेस है ना, तो इसको तो प्रोसेस के थ्रू हम बताएंगे कोडोमिनेंस बेसिकली. सो एग्जांपल्स हमें समझने का कुछ ने भाई पूछा है एग्जामिनर ने कि आपको एग्जांपल बताने हैं, तो एग्जांपल समझेंगे. सो बेसिकली मैं ये बताऊं, here are the various type of example to understand the codominance process, okay, in organism or in plants, okay. So agar hum in plants ki baat kare, detail mein padhte hain, dekho hum log details mein jayenge. In plants mein agar baat ki jaye to this is ki yahan pe ek aisa plant hai, tall plant hai, okay. Isko aap theory mein convert karna, main chart ke through aapko bata rahi hu. Then ek dark plant hai, theek hai. So this is symbol of TT and this is TT. So this is hybrid tall. This is a codominant character of tall plant and dark plant. Okay, ये plant का होगा, ठीक है. You can make your own language, ठीक है. आप इसे मतलब अपनी लैंग्वेज भी बना सकते हैं, ठीक है. बात समझ में आ रही है? अब ये वाली बात समझ में आ गई होगी, ठीक है. सिंपल था, एक टॉल प्लांट था, देन एक टॉल प्लांट था, उसका हाइब्रिड जो होगा. कोडोमिनेंस का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा करेक्टर जो अनदर करेक्टर के साथ शो करे, मतलब कोई ऐसा करेक्टर जो डोमिनेंट हो पहले से. डोमिनेंट क्या है? डोमिनेंट मतलब टॉल है, और वो अनदर करेक्टर को शो करे. तो ये रॉड का भी शो करा, तो एक करेक्टर बना, उसे कोडोमिनेंट करेक्टर कहते हैं. एनिमल्स में देखिए, इन एनिमल्स, अब ये आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपके एग्जाम में आता है तो बढ़िया से लिखना. सो अगर एक कैरेक्टर, मान लीजिए एक ब्लड ग्रुप है, एक बेसिकली ब्लड ग्रुप है ये ए का, ओके बेटा, और एक ब्लड ग्रुप है, अनदर ब्लड ग्रुप इज बी. So, इसका जो एक डोमिनेंट करेक्टर बनेगा दैट इज ए बी, है कि नहीं. दैट मींस इन द कोडोमिनेंट करेक्टर ए आल्सो इज प्रेजेंट एंड बी आल्सो इज प्रेजेंट, दिस इज अ कोडोमिनेंट करेक्टर. कोडोमिनेंट करेक्टर हो गया, ओके. तो ए बी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंट करेक्टर टू एक्सप्लेन, ठीक है. So, आपकी जो questions bank है, reference books है, उसमें बहुत example दिया होता है. That means co-dominant indicate that both the type of characters are present in single body or a single we can say that object, ठीक है. ऐसा character जिसमें दो, basically एक ऐसा character जिसमें दो character different है, तभी तो वो co-dominance हो रहा है ना. co-dominance का means समझिए आप, ठीक है. बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, ma'am. आ गई. अब देखो, जब कोडोमिनेंस अच्छे समझ लिया, एक चीज और कोडोमिनेंस में याद रखोगे, एक तो आपको डोमिनेंस और कोडोमिनेंस में मतलब थोड़ा सा डिफरेंस भी पता होना चाहिए. दिस इज डोमिनेंस और ये है कोडोमिनेंस. जब इफ एनी टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट और अपीयर
ठीक है, प्योर विद इन विद प्योरिटी, ओके, इसकी अपनी एक ओन प्योरिटी होती है, देन व्हाट इज दिस कैरेक्टर इज बेसिकली इज डोमिनेंट, ठीक है, बट उसकी कुछ प्योरिटी ना हो जाए, वो इम्प्योर हो जाए, इम्प्योर और प्योरिटी का मीन्स ये है कि उसमें कुछ हाइब्रिडाइजेशन हो जाए, ओके, हाइब्रिड के थ्रू वो दूसरा बन जाए, ठीक, इम्प्योर हो गया मेरी नजर में तो हो गया, तो वो क्या है, को डोमिनेंट कैरेक्टर, इससे आप एक्सप्लेन कर सकते हो उस चीज को, ठीक है, देखो बात समझ में आ गई, ठीक है, यस मैम।